वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक मस्त से हेडफोन के लिए जो कि एक लॉन्ग बैटरी वाला हेडफोन है, जिसमें बड़े ड्राइवर्स हैं, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, जो कि एक गेमिंग हेडफोन है और जो कि एक बजट हेडफोन है अंडर 1500। तो मैं बात कर रही हूँ इसके बारे में आराम से। तो ये आपको पता चल ही गया होगा मेरे थंबनेल देख के। तो चलो फिर जल्दी से इसका अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स ये हो ही गया है, पर मैं आपको बता दूं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो लेट्स गो। सो गाइस, ये रहा हमारा अमेजोन की ओर से बॉक्स, एंड चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले इसका रैपिंग ओपन करते हैं एंड अंदर से क्या आया, हमारा हेडफोन। वाओ, ये कितना सॉलिड बॉक्स है यार। ओके वाओ, जस्ट लुक एट द बॉक्स। तो ये रहा हमारा क्विक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.0, फिर 50mm डायनामिक ड्राइवर्स, 500mAh बैटरी कैपेसिटी, 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक, और ओवर ईयर हेडफोन्स और फिजिकल नॉइज आइसोलेशन, और यहाँ पे कुछ पैकेज कंटेंट्स कुछ दिए गए हैं। और लुक एट द बॉक्स यार, मैं तो फैन हो गई बॉक्स की। देखते हैं हेडफोन कैसा आएगा। अभी इसको चलो ओपन करते हैं। इसमें प्राइस लिखा गया है 4999, और लेकिन आपको ये 1500 में अमेजोन में मिल जाएगा। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। सो बॉक्स ओपन हो चुका है और सामने ही हमें दिख रहा है हेडफोन विद बोट का लोगो। और ये वाओ, ऑसम है यार, ऑसम, एक नंबर के हेडफोन है। और फर्स्ट इंप्रेशन में ही मैं इसकी फ़ैन हो गई। और ये बॉक्स इसको निकालते हैं यहाँ से, एंड ये लिटरली ऑसम लग रहा है यार। जस्ट लुक एट दिस, हमें बोट का लोगो है एंड लुक एट द ईयर कप्स। ये एकदम फाइन, मतलब कंफर्ट वाइज ये एकदम ऑसम लग रहा है। और यहाँ पे कुशन्स भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। तो चलो फिर देखते हैं और क्या क्या है इसमें। अब बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ये एक मैनुअल है, ओके, और ये वारंटी कार्ड 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। और यहाँ पे दिए गए हैं और भी बाकी के बोट के प्रोडक्ट्स, आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको पसंद आए। तो यहाँ पे मिलता है USB केबल और 3.5mm टू 3.5mm जैक। तो ओके, ये है USB टाइप सी नहीं है इसमें, हमें नॉर्मल USB ही मिलता है। बहुत बुरी बात, मैं आपको ये फोकस करके दिखा देती हूँ, ये नॉर्मल USB केबल है। और यहाँ पे है 3.5mm टू 3.5mm जैक, जो कि आप ब्लूटूथ के बिना आप इसको कनेक्ट करके अपने फ़ोन से गाने सुन सकते हो। तो ये है टोटल पैकेजिंग बोट की ओर से, क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं, आगे देखते हैं। एक्चुअली मैं एक कैसा है, तो अभी बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो चलो इसको जल्द से कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे ये पावर बटन दिख रहा होगा, इसको प्रेस करना होगा जब तक ये आवाज ना आ जाए। यू आर प्लग्ड इन टू निर्वाना। जब हम जल्दी से अपना फोन निकालेंगे एंड ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। लाइक मैंने इसको ऑन रखा है और मैं ब्लूटूथ ऑन करती हूँ। ये मैंने ब्लूटूथ ऑन करा एंड डिवाइस इज रेडी टू पेयर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा जल्दी से रॉकर्स 550 प्रो, देख सकते हो। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेती हूँ एंड फिर यहाँ पे एक आपको एक मैसेज आएगा जो कि आपको यस करना है। फॉर ओबियस पेयर कर लेते हैं हम इसको एंड हो गया कनेक्टेड। अभी इसको चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसे है। पहले मैं इसको पहन के देखती हूँ एंड बताती हूँ आपको कंफर्ट। लाइक ये मेरा सबसे पहला हेडफोन है इतना बड़ा वाला, मैंने इससे पहले एक छोटा हेडफोन यूज़ कर रखा है पर वो ओवर द ईयर नहीं था, ये ओवर द ईयर वाला है। मतलब ये जो इसके ईयर कप्स हैं ये कान के ऊपर आ जाते हैं एंड कान को एकदम क्लोज कर लेते हैं। पहले थोड़ा हैवी लगेगा, फिर बाद में आप यूज टू हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ये वन ऑफ द लाइटेस्ट हेडफोन है वैसे, और इसके ईयर कप्स भी आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखो, इसके कुशन्स बहुत सॉफ्ट हैं, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप इसको आराम से 2-3 घंटे आराम से पहन सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि 50mm का ड्राइवर एकदम खान फाड़ देगा। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, ये एकदम आपके कान के पर्दे फाड़ देगा। नहीं, ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं सुनने का। ओके, मैंने कनेक्ट कर लिया है एंड आप देख सकते हो ये बहुत स्टाइलिश लगता है। मेरे पास अच्छा नहीं लग रहा होगा पर आप ले सकते हो इसको, इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए ब्लैक कलर का लिया। तो अभी सुनते हैं इसमें गाना, क्योंकि ये इसमें इतना बड़ा ड्राइवर है, आई वॉन्ट टू लिसन सम बेस वाला सॉन्ग। लेट्स गो। ऑसम,
सारे जैसे डीजे बज रहा हो। ओके इट्स ऑसम, मैं आपको सुनाती हूँ ठीक है। एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दिस इज इट्स ऑसम एंड वर्दी, तो मैं आपको सुनाती हूँ ठीक। सॉसम ये ऑसम है। तो बेस के मामले में ये एक नंबर है, और फिर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो ऐसे ओपन होता है ना हेड को एडजस्ट करने के लिए, ये थोड़ा नाजुक लगा मुझे, बाकी सब ऑसम है। ये यहाँ पे ये स्टील की फ्रेमिंग है शायद, हाँ, और ये थोड़ा नाजुक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करना होगा, लेकिन मैं इसको यूज़ करते टाइम मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। और ये रोटेट होता है तो इसको भी थोड़ा ध्यान लेना है। ये एक्चुअली शायद इसीलिए है ऐसे रखने के लिए, ताकि ये ऐसे रहे, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, ऐसा रहेगा तो ये रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगा। ओके सो गाइस, मैं आपको सुनाती हूँ कि इसमें रात आलम ब्याह कैसे सुनाई दे रहा है। सुनो, मैक्सिमम वॉल्यूम पे है। बस हो गया, कॉपीराइट आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसे सॉन्ग भी इसमें कैसे सुनाई देते हैं, एंड आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। फर्स्ट इंप्रेशन के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी बैटरी भी हम टेस्ट करेंगे एंड और भी बहुत सारी सिचुएशन में इसको कुछ चैलेंज करेंगे। एंड मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ पूरा एक दिन, एंड हम इसमें बहुत सारे गेम्स भी खेलेंगे एंड बहुत सारे गाने सुनेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ आफ्टर वन वीक की इसका रिव्यू कैसा रहता है। फिलहाल द फर्स्ट इंप्रेशन के लिए इट्स ऑसम। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।